उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी किचन बन रही है एक ड्रिंक ऑरेंज आइस मोका। तो ऑरेंज आइस मोका बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 1/2 कप मेरे पास यहाँ कॉफ़ी का वाटर है, ये मैंने ठंडा पानी लिया चिल वाटर। उसके अंदर आप 1 टीस्पून कॉफ़ी जो है इंस्टेंट कॉफ़ी इसमें आप डिजॉल्व कर लें। तो ये आपका ये 1/2 कप का चिल वाटर है और कॉफ़ी के साथ। और यहाँ मेरे पास ये ऑरेंज जूस है फ्रेश 1/2 कप, ये फ्रीज हुआ हुआ है। और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून ये मेरे पास क्रीम है, क्रीम नहीं है तो आप बलाई ले लें दूध के ऊपर की। और यहाँ मेरे पास ये है एवोपोरेटेड मिल्क 1/4 कप। इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो ये भी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों कंडेंस मिल्क भी एवोपोरेटेड मिल्क का भी मैं लिंक डाल दूंगा। और यहाँ मेरे पास आइस क्यूब्स हैं हसबे ज़रूरत। और इसको हम थोड़ा सा मोका टेस्ट देने के लिए इसमें हम कॉफ़ी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ हम इसमें चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे, ये भी हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो हम तमाम चीज़ों को जग के अंदर डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा मज़ेदार सा ऑरेंज आइस मोका। तो देखिए सबसे पहले हम जग के अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड हो गए। अब हम इसके अंदर कॉफ़ी का ये जो मिक्सचर है वाटर के साथ ठंडे पानी के साथ चिल वाटर के साथ ये हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एवोपोरेटेड मिल्क 1/4 कप, ये भी इसमें शामिल हो गया। और अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड हो गया। और अब हम इसमें लास्ट में ये ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे 1/2 कप, ये भी इसमें ऐड हो गया। और अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और अपनी सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेंगे, पोर कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चॉकलेट सिरप भी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये देखेंगे ये भी ऐड हो गया। स्टार्ट करते हैं ब्लेंड करना। एक बात याद रखिएगा, हमें उसे इतना ब्लेंड करने के जो बर्फ़ की खटखटाहट है ना ही ख़त्म हो जाए। दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए हमें सर्विंग ग्लासेस दे दी जिसे हमें इन्हें सर्व करना है अपने मज़ेदार से ऑरेंज आइस मोका को। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो ये देखें हमने बिल्कुल कॉफ़ी और चॉकलेट सिरप बिल्कुल हमने इतना डाला क्वांटिटी में कि ये देखें बिल्कुल उसका फाइन कलर आया है, ना तो ज़्यादा चॉकलेटी हो रहा है वो भी बुरा लगता है, फिर कड़वाहट से आती है बिटर टेस्ट आता है उसका। तो ये बिल्कुल फाइन कलर है ना, अच्छा भी लग रहा है और लुकिंग वाइज भी और टेस्टफुल तो है ही। तो अब हम इसमें इस तरह दूसरे में भी सर्व कर लेंगे, पोर कर देंगे इसे। ये सारी ड्रिंक जो हैं अब ज़्यादातर रेसिपीज़ आपको रमज़ान की मिलेंगी तो आप ये रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ऑरेंज का जो फ्रीज़ करने का तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया, जूस का किस तरह आप सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से ऑरेंज आइस मोका। इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन वैसे इतने अच्छे लग रहे हैं उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के बराबर में कुकिंग विद काशान के बराबर में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल का निशान आ रहा होगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपीज आप लोग रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, रमज़ान रेसिपी भी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।